अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास चैप्टर सेकंड का टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसके कुछ रिजल्ट्स भी पढ़े थे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ गलतियां थीं जैसे हमने पढ़ी थी, तो उन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए बोहर एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी पेश की। अब बोहर की थ्योरी की जो फाउंडेशन बुनियाद है वो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी है। मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक क्वांटम थ्योरी पेश की थी। बोहर ने क्या किया, उसकी क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, उसको बुनियाद बनाते हुए अपनी थ्योरी पेश कर दी। इस थ्योरी के मुताबिक जो मेन पास्टुलेट है वो क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट आर अब्सॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली बिकॉज एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड as it revolves only in orbits of fixed energy called energy levels by him। ये main उसका postulate है, main point है। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आगे बहुत सारे जो point हैं वो इसी पे ही घूमते हैं और वो clear हो जाएंगे। दोबारा देखें, इसका main जो postulate है वो क्या है कि जो revolving electron है, जो electron nucleus के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है, does not emit आर अब्सॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली, ना तो वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता है ना वो जज़ब करता है। बिकॉज उसकी वजह क्या है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी, मतलब खास मखसूस एनर्जी जो है, मुतय्यन एनर्जी जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड। As it revolves only in orbits of fixed energy called energy levels by him, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन खास किस्म के एनर्जी लेवल्स में, ऑर्बिट्स में घूम रहा है, जब तक वो उस ऑर्बिट में रहता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मखसूस होती है, ना वो एनर्जी लेता है ना एनर्जी देता है। ये मेन पास्टुलेट है। उसके अलावा जो उसके पास्टुलेट्स हैं ज़रा वो देखें, उसने हाइड्रोजन एटम को एज अपना सैंपल यूज़ करते हुए थ्योरी बनाई थी। पहला पास्टुलेट है, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, रेडियस आर के किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। ये बात याद रखनी है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, ख़ास होती है, मखसूस होती है, जिसको क्या कहा उसने, क्वांटाइज्ड। पहला पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन का एटम छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है जिसके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनका रेडियस आर है और इलेक्ट्रॉन किसी उनमें से ऑर्बिट में एक के अंदर घूम रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, मखसूस है, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड या दैट इज़ क्वांटाइज्ड। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है, इट डज़ नॉट रेडिएट, ये रेडिएट नहीं करता मतलब निकालता नहीं है, आर अब्सॉर्ब्ड एनर्जी, ना तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालता है, खारिज करता है, और ना ही वो अब्सॉर्ब करता है। कब, जब तक वो एक ही ऑर्बिट के अंदर गर्दिश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा। द एनर्जी इज़ एमिटेड आर अब्सॉर्ब्ड Only when an electron jumps from one orbit to another। कब एनर्जी निकलेगी, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो या एनर्जी लेगा या एनर्जी देगा। ठीक है, जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा एनर्जी ना रिलीज होगी ना अब्सॉर्ब होगी। कब रिलीज या अब्सॉर्ब होगी, जब वो एक ऑर्बिट से छलांग लगा के दूसरे में जाएगा। अब कब अब्सॉर्ब होगी, कब रिलीज होगी, अब देखें चौथा पॉइंट उसको क्लियर करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट इट अब्सॉर्ब एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, नीचे वाले ऑर्बिट से किधर जाता है, हायर ऑर्बिट में, इट अब्सॉर्ब एनर्जी, ये क्या करता है, एनर्जी को जज़ब करता है, अब्सॉर्ब करता है, हासिल करता है। एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अब जो हायर से फिर किधर आए, लोअर की तरफ, देन उसके ऑपोजिट हो जाएगा क्या, इट रेडिएट्स एनर्जी, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को
रिलीज करेगा, खारिज करेगा, एमिट करेगा, निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। ये याद रखना है कि कौन सी इक्वेशन है जो एनर्जी चेंज को बताती है, प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा ई, डेल्टा का मतलब चेंज इन एनर्जी, इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। ई टू से मुराद वो ऑर्बिट की एनर्जी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, और ई वन मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया। ई टू मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, फाइनल ऑर्बिट जहाँ पे आया, और ई वन मतलब जहाँ से ऑर्बिट आया, इलेक्ट्रॉन आया, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया, इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है हमारे पास, वेयर एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 × 10⁻³⁴ जे एस जूल सेकंड। ये एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, वैल्यू अक्सर एमसीक्यू में पूछते हैं, -34 है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम न्यू से लिखते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR गिवन एज। इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स के अंदर जो है गर्दिश करता है जिनका क्या होता है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, MVR। और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, MVR इज इक्वल टू NH/2π। MVR बराबर है, इक्वल है NH/2π। यहाँ पे N से क्या मुराद है, N से मुराद है क्वांटम नंबर, R दूसरी बात क्या है, ऑर्बिट नंबर। N से मुराद क्वांटम नंबर है या ऑर्बिट नंबर है, और N की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। याद रखें, N की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, N की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और N की वैल्यू कभी फ्रैक्शंस में नहीं होगी, मतलब 1.1, 1.25, 1.5 इस तरह की वैल्यू N की कभी नहीं होगी, ना ज़ीरो होगी, ना नेगेटिव होगी, और ना फ्रैक्शंस में होगी। अब चूंकि वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं है, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, खास है, मखसूस है। एन की वैल्यू या वन होगी या टू होगी या थ्री होगी या फोर होगी एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये डायग्राम अगर हम देखें जो कि हमने इसके हिसाब से बनाई है, कि ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ये जो रेड मैंने ड्रॉ किया है, ये पहला शेल है, इसको हम के शेल कहते हैं, दूसरे को एल और तीसरे को एम कहते हैं, चौथा भी होता है, पाँचवा भी होता है, इस तरह। अब ये एन लिखा हुआ है, एन इज इक्वल टू वन, क्वांटम नंबर की वैल्यू वन हो तो के शेल होता है, क्वांटम नंबर की वैल्यू टू हो तो एल शेल होता है, और क्वांटम नंबर की वैल्यू थ्री हो तो एम शेल होता है, फोर हो तो एन होगा एंड सो ऑन। एन की वैल्यू वन, के शेल, याद रखें जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे शेल्स की एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर के एल एम में पूछा जाए कि सबसे एनर्जी कम किसकी है, तो वो के शेल की होगी, उससे ज़्यादा एल की, उससे ज़्यादा एम की। अब आ जाएं ज़रा इस बात पे, एल की एनर्जी कम है और एम की ज़्यादा है। ये कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा किधर, हाई एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी वाली साइड पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ई अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट कम एनर्जी से किधर जाता है, हायर ऑर्बिट, अपर ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट में, तो उसे क्या करना पड़ता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि एल के पास इलेक्ट्रॉन, एल वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है और एम वाले में ज़्यादा, तो लो से हाई में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा, इस वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब अगर इसके ऑपोजिट आए, एम जो है वो ऊपर वाला शेल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, एम जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है एल में, तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एम के पास एनर्जी ज़्यादा है और एल वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, इस वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, तभी वो किधर आएगा, एल शेल में। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में घूमता रहेगा, या एम वाला इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, या के वाला इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, जब तक एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ना वो एनर्जी देगा ना वो एनर्जी लेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। एक बार
ऐसे एक मिनट में सारे को हम ओवरव्यू कर लेते हैं दोबारा से कि बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या है। बोहर ने जो मेन फाउंडेशन इस्तेमाल की वो मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया था। मेन पास्टुलेट क्या है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी इमिट करता है ना अब्जॉर्ब करता है कंटिन्यूसली, ना अब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की है वो क्वांटाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन खास किस्म के ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है, जिसको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया गया। मेन पास्टुलेट्स और देखें तो पहला पास्टुलेट है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो स्मॉल से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, टाइनी से न्यूक्लियस के ऊपर, और उसके इर्द गिर्द खास किस्म के ऑर्बिट्स होते हैं सर्कुलर इन शेप जिनका रेडियस आर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट था कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, मखसूस है, खास है, जिसको हम क्वांटाइज कहते हैं। थर्ड था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना वो एनर्जी देता है ना एनर्जी लेता है। एनर्जी लेने या देने का मामला तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। जब इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और जब हायर से लो की तरफ करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी का जो चेंज आया अब्जॉर्ब के दौरान या रिलीज के दौरान, उसको हम एक इक्वेशन से जाहिर करते हैं जिसको क्या नाम देते हैं, प्लैंक्स इक्वेशन। और प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन दैट इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 6.63 × 10⁻³⁰ जूल सेकेंड, वेयर म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। पांचवा पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR, गिवन एज MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2π, वेयर N का क्या मतलब है, क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर, और N की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या वैल्यू नहीं हो सकती, ना जीरो हो सकती है, ना नेगेटिव, और ना ही ये फ्रैक्शंस में पॉइंट्स में वैल्यू नहीं हो सकती। इसी वजह से हमने क्या कहा कि फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन या के शेल में घूमेगा या एल शेल में घूमेगा, जो दरमियान वाला एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी वाला टॉपिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही अहम है ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।